बिंद अल्लाह धरों धरा पार पुन पुन सी साजी बंदों बार बार जग जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहेब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह है बिघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी वाह वाह पहरावत गुर के गरे गण पुष्प वसावै वाह बार बार कर आरती सनमुख दर्शावै जिसमें अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहेब उदद बंदों कर अनुराग जय डिठे मन धीरिए किलविख वंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहया भरपूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहया भरपूरे परम सन्मान आवर साहिबे कमाल बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धारकर्ता साहिबे सहाबा ज्योत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमई इनायतमई श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साढ़े सारयां दे सिर ते मरामतमई रखे हथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवे दिन दी जो नवे जन्म समान है ये शाम अजीज़ुल नवाज गनीमुल खराज पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक कदमां दी खाक दे नाम करना नसीब होया सतगुरु जी दी मेरामन सदका सोदर चौंकी दे कीर्तन हर कीरत हमरी रहरास आरती अरदास ते फिर सदाए खास गुरुदेव जी दे पावन हुक्मनामे आप जी ने झोली च पाए हन कुछ समा होर महिमा दे मालक मेरियां पीरियां दे दाते दल पंजन गुर सूरमा वट जोधा बहु परोपकारी गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दियां अमृत जीवन गाथावां बाबाणियां कहानियां गुरु इतिहास विचार रही गुरु दीदार दी प्राप्ति हो सके
इसलिए छोटी जी ध्यान साधना है दोवे हथा हिरदे के सामने जोड़ दें गहराई तो नेत्र बंद करके महसूस करिए कि साड़ा शीस गुरु हरगोबिंद साहब जी दे चरण कमलों ते टिकया है ते साहब जिया ने मेहर भरिया हाथ साढ़े शीस ते रखिया होया गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गल वकड़ी करदिया चरण चुमदिया होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कल तक प्रेम सहित सरवण करदिया इतना आपने सरवण किया कि मालवे नूं तारदे हुए गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज गुजरवाल तो प्रस्थान करके सतलुज दरिया पार करके विश्राम किया ते फिर अगले दिन श्री करतारपुर साहिब आ पहुँचे जिसका नाम भी करतार दे नाम ते है और वसाउण वाले भी गुरु अर्जन देव जी महाराज आप प्रतख हर करतार हन जिन्हां ने नगर वसाया। अज भी इस नगर विच जाइए बीतियां गलियां विच विचरीए तां इस तरह वाइब्स महसूस होंदियां ने इस तरह तरंगा प्राप्त होंदियां ने जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज आप एक एक इट नूं स्पर्श करते हुए अनुभव होने लग पैंदे हन। महाराज जी का वड्डा स्थान मां गंगसर गुरद्वारा साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब जी का माता गुजरी जिया के नाल आनंद कारज इसे ही नगर विच होया इत्थे ये नगर भाई लाल चंद सुपखिया लखनौर तो माइग्रेट हो के जद करतारपुर नगर साहिब जी ने वसाया तो इत्थे आ के गुरु नगरी विच वस गए। सिख जगत का बहुत वड्डा तीरथ है श्री करतारपुर साहिब। महाराज जी का खूह उत्थे मौजूद है जिस विचों अज भी संगतां जल पान कर दियां हन और बड़ा आनंद बरसदा महाराज जी की मेहर वाला ये नगर इत्थे सतगुरु आ पहुँचे हैं और हर दरवाजे दे सामने दरवाजे घरां दियां तमाम स्वाणियां ने दरवाजे खोले हुए ने और टोकरे फुलां दे भर भर के अपनियां छतां ते पहुँचियां हैं ते वड़ियां वड़ियां बनमाल माला जो महाराज जी दे चरणा तक आ जांदियां ने गर्दन विच पाया वो वड़ियां वड़ियां माला लैके महाराज जी दे गल पहना रही हैं और फुल बरसदे पए ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी इस अमृत पंक्ति दा उत्थे प्रतख दीदार हो रहा है। पोहपन ब्रिस्ट गगन ते पई सभन आन बधाई दई तान्या तान्या लोगन के राजा दुष्टन दा गरीब निवाजा। ये भी संगतां बेनती रूप विच भाव व्यक्त कर रही ने भावें ये पंक्तियां दसवें जामे च आईयां हन महाराज सचे पातशाह दियां दुष्टन दा गरीब निवाजा अखल भवन के सिरजन हारे दास जान मोहे लिहो उबारे। बड़ी अगम्मी कोई आभा बड़ा अगम्मा कोई अगम्मी कोई आनंद दा सोमा बरस रहा। श्री करतारपुर साहब जी दियां गलियां बाजार जिथों महाराज लंघ के
अपने घर तक महलों तक पहुँचे ने वो सारिया फुलों नाल भर गई। इत्थे भी इस तरह होया सी जद गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आगमन होया तहीं प्रकाश हमारा पयो पटना शहर विखे पव लयो पोस दी सतवीं का महान पवित्र दिहाड़ा। महाराज जी के जन्म ते संगतां ने इतनिया खुशियां कीतियां कि पटना साहिब जी दियां गलियां बाजार फुलां नाल भर गए सन। महाराज जी दे इस महान खुशी दे मौके नूं महसूस करदिया होया एक जयकारा होर सारी संगत मिल के भी गजा। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह दे करतारपुर साहिब आगमन ते बहुत संगतां ने जय जयकार ते महाराज दे चरणां ते नमस्कार कीतियां। अगली विचार सरवण करिए पेशतर अपनी रचना ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरणां दा स्पर्श कप महसूस करदिया आखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। एक बारी फिर आखो जी धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। हाँ जी पहरावत गुर के गरे गन पुष्ट वसावै। इस तरह दे नाल महाराज जी दे गल विच गर्दन विच माला पा रही हैं तमाम परिवारां दियां बजुर्ग मातावां ते महाराज सच्चे पातशाह भी सिर चुका के ते माला गल विच पवा लैंदे। कोई ज़्यादा ही बुजुर्ग माता है उस कोलों हाथ पूरे उपर नहीं आते तो महाराज बहुत चुक के माला पवा लेंदे। तो इस तरह फुलां दी बारिश हो रही है बहुत प्रेम बरस रहा है। बार बार कर आरती सनमुख दरसावें। हर दरवाजे ते बार ते आरती जला के चिराग जला के थाली विच ते महाराज सच्चे पातशाह दी जंग जित के आए ने ना तो आरती उतारदे पए। आरती उतारना एक सत्कार देण दा प्रतीक है जैसे सनातन मत विच धर्म मंदरां विच अपने इष्ट देव अपने आराध्य देव दा सत्कार भेटा कीता जांदा है आरती करके। महाराज सच्चे पातशाह दा सन्मान इस तरह आरती हर बार ते आरती बाल के जगा के और सन्मान कर रहे हन। बलहारी होए प्रेम सो गुरमूरत हिरै। महाराज सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र दीदार सदके जांदिया होया कर रहे वार ने बलिहार ने लख बरिया सदके जांदिया होया महाराज जी दे चरण कमलां तो सोहणे चरण कमलां दा महाराज जी दे चरण मुखड़े दा दीदार कर रहे हन। सुन लराई तुरक गन कर फते कनेरा। क्योंकि सारियां नूं इस गल दी खबर सुनाई पै चुकी कि बहुत वड्डी तुरक सैना महाराज संघार के आए ने पहले जंग श्री अमृतसर विच 7,000 सैना का संहार होया फिर श्री हरगोबिंदपुर की जंग विच 14,000 बादशाही सैना मारिया गई ते इत्थे कोई 35,000 सैना गुरु सर महाराज विच मारी गई। अगर मैं अर्ज करां देखिए तो वड्डियां सैना 35,000 ते फिर 21,000 55,000 सैना औरंगजेब दी शाह जहान दी इन्हां तीन जंगा विच मारी गई। सारे हैरान ने भी इतनी वड्डी बादशाह नूं शिकस्त अज तक कोई दे नहीं सकिया ते महाराज जी फरमाउंदे ने जिहड़ा किसे ते चढ़ के जांदा है
हमलावर होंदा है, हमला करदा है, उस दे पल्ले हार ही पैंदी है, जित नहीं पैंदी। इस ढंग दे नाल महाराज सच्चे पातशाह श्री करतारपुर साहिब पधारे हन। सादर सबिन बिलोक ते बोलत केह साथा। महाराज सच्चे पातशाह जी दा दीदार संगतां बड़े आदर नाल सत्कार नाल कर रही ने, ते महाराज भी सारियां वल मेहर दी नज़र कर रहे, ते किसे किसे नाल गलबात भी कर लैंदे हन। सने सने पुर को चलत हरखत गुरु नाथा। सारे जगत दे जितने गुरु पुरश होए ने उन्हां सारियां दे मालक नाथ गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज हौली हौली बाजारां चों सत्कार कबूलदे होए अपने घर वल नूं चले आ रहे हन, नगर वल नूं आ रहे हन। देत मोद को पुर जन न बूझत सुख शांति। और इस तरह दे नाल नगर दे तमाम सेवक सब आनंदित हो रहे, महाराज उन्हां नूं आनंद प्रदान कर रहे हन। हिम प्राप्त अपने महल पहुंचे रिप काती। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह सब दा सत्कार नमस्कार कबूल कर दे, तमाम दुष्ट लोकां दा घात खत्म करन वाले महाराज सच्चे पातशाह श्री करतारपुर साहिब अपने महल गुरु के महल आ पहुंचे हन। श्री ग्रंथ साहिब जहां तह पूरब आए। पर घर महल विच आके सब तो पहला उस थां गए हन, उस कक्ष विच गए ने, उस अस्थान ते गए ने जिथे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश है। उन्हां दिनां विच पोथी साहिब कहंदे सन, पोथी परमेश्वर का थान। फिर ग्रंथ साहिब भी कहंदे सन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दसवें पातशाह जी ने बाकायदा गुरता गद्दी प्रदान की, पंज परिक्रमा कीतियां, नारियल पंज पैसे भेटा कीते, ते आख्या सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हुण आप जी का नाम गुरु ग्रंथ साहिब जी है। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह सब तो पहला उस थान आए ने जिथे महल विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान। महाराज दसदे पए ने सानू, आप गुरु रूप हन, आप परमात्म जोत हन, फर्क कोई नहीं है, पर साडे लई पूरने पा रहे ने गुरसिखा। कितों भी कोई फतेह प्राप्त करके आवें, कोई मामूली तो मामूली भी कामयाबी मिले, ते सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणा विच आया कर, आके मत्था टेकया कर, नमस्कार ते गुरु साहिब जी दा सत्कार करया कर। धर प्रसाद दर्शन करियो निज सीस निवाए। करा प्रसाद दी देग गुरु साहिब जी ने भेटा की, धर प्रसाद दर्शन करियो। सानू भी हुक्म है भाई पंजां तख्तां ते किसे तख्त ते भी जाओ, ते घटो घट सवा रुपया कड़ा प्रसाद दी देग लई जरूर भेटा करो, ते सवा रुपया महाराज दी गोलक विच पाओ। ये तो महाराज साध संगत जी पुराने समय दी आग्या है। अज तां इह संकेत रूप विच है, अज तां संगतां करोड़ां रुपए भेट कर दिया। मुबारक है जिन्हां नूं सतगुरु जी ने नवाजिया होया, और समझदे ने कि दात सतगुरु दी है, वह अपनी भेटा करन लग्या समा नहीं लाउ। इस ढंग दे नाल महाराज सच्चे पातशाह ने करके दिखाया भी जद भी गुरु घर जाओ, कम अज़ कम जितनी हो सके सवाई तो सवाई भेटा रख के कड़ा प्रसाद दी देग, ते कम अज़ कम सवा रुपया जरूर गोलक विच पाया जाए। महाराज सच्चे पातशाह ने आप कड़ा प्रसाद रखिया, भेटा किया, फिर दर्शन किए गुरु ग्रंथ साहब जी दे, परिक्रमा कीतियां, निज सीस निवाए, ते मत्था टेकिया। सुने शब्द तब पंच तै थिर कीतक काला। फिर पंज शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी दी बाणी दे सुने,
पंज शब्दां दा पाठ सरवण कीता उस वेले महाराज सच्चे पातशाह ने। यह भी जरूर है बई गुरसिखा, जे तेरे कोल घट तो घट भी समा होवे ते कम अज़ कम पंज पाठ शब्द गुरु साहिब जी दे जरूर सुनिया कर। महाराजा रणजीत सिंह जी दे बारे तो आप जानते ही हो बई, पंज पंजा साल जिंदगी दे बा कमाल राज कीता। उस तरह का दूजा राजा लभना बड़ा मुश्किल है, पर उन्होंने जीवन की रूटीन सी कम अज़ कम एक घंटा गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ जरूर सुनते सन। अजकल तो साध संगत संथिया पोथियां मिल जाती, जे घर में संभव ना हो गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करना तो फिर पोथियां घर में विराजमान कराइया जा सकती, तो कम अज़ कम उस तो ही घंटा अद्धा घंटा, जे बिल्कुल ही नहीं तो पंज शब्द तो रोज़ बंदा पढ़ ले। गुरु साहब नाल नेड़ता बन जाएगी साध संगत, जैसे जिस रिश्तेदार नाल साडा गाहे बगाहे मेल होंदा रहे, मिलना होंदा रहे और बार बार मेल होवे, साडा उहदे नाल रिश्ता गूढ़ा होंदा जांदा, ते साध संगत किते मिलना ही ना होवे फिर भी कोई समागम होवे, कोई आनंद कारज होवे, कोई होर इस तरह का समागम होवे, ते फिर ही असी रिश्तेदार नूं बुला लैंदे, आप भी चले जाते, कोई मरना परना कुछ होवे चले जाते, फिर भी बनिया रहिंदा रिश्ता, पर साध संगत सालां बद्धी कोई राबता ही ना होवे ते रिश्ता ते टुट जाए। अज यही कारण है ये बार बार सुनन नूं मिल जाता है भई बच्चे गुरु नालों टुटते जा रहे ने, केसां दी बेअदबी कर रहे ने, दस्तार नूं भार समझते ने, जिहड़ी दस्तार सिंगार है उस नूं भार समझते ने, ते सिक्खी नालों नाता इस करके टुट रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दा पाठ ही नहीं करते, नितनेम ही नहीं करते, संध्या वेले रहरास तो बिना ही जीवन गुजरता है, अमृत वेले जाप नहीं आता, तो फिर साध संगत जी जे असी परिवारक तल ते बच्चों के तल ते गुरु ग्रंथ साहिब जी नालों दूर हो रहे हैं तो साढ़े धर्म विच वड्डे वड्डे डाके पै रहे ने, तब्दीलियां होंदियां पईयां, धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो इहदा कारण साध संगत इक्को ही है भी असी रोज़ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पंज शब्द भी नहीं पढ़ते। साडा नितनेम नालों जे नाता टुट गया तो गुरु नालों साडा नाता आपे टुट जाता, गुरु नाल नाता नहीं रह जाता। ये सानू महाराज ने करके दिखाया भई भावें लंबे अरसे बाद जंग जित के आए ने, परिवार इंतजार कर रहा है, महलां विच फिर गए, पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां च कड़ा प्रसाद दी देख रखी, आप मत्था टेकिया ते फिर पंज शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बाणी दा कुछ समा सुनना कीता। गुरजन बैठे सगले गण पिक आनंद बिसाला। श्री करतारपुर साहिब जी दियां संगतां गुरसिख महाराज जी दे दर्शन करन लई बैठियां होईयां हन, बहुत आनंदित हन। हाथ जोड़ पूजन करे रण भयो कनेरा। कुछ एक ने हाथ जोड़ के महाराज जी दे चरणां च बेनती भी की भी बड़ा वड्डा युद्ध होया, 35,000 सैनिक चढ़ के आ गए, लल्ला बेग वर्गे ते होर इस तरह के काबल बेग वर्गे ते कमर बेग वर्गे वड्डे वड्डे योधे आए, ते थोड़ा जंग जित विच प्राप्त होया। रही श्रेय तन आपके प्रभ जी तिस बेरा। उस जंग दी जित दा सेरा श्रेय आप जी नू रिया उस समय। विधि चांद तब सब कही जिम तुरक खपाए। ते तन तन बहादुर बाबा विधि चंद, मैनू खुशी इस गल दी कि बहादुर बाबा विधि चंद जी दे अंश वंश महान पवित्र आत्मा संत बाबा अवतार सिंह जी उन्होंने दामाद भाई अंग्रेज सिंह जी DSP साहिब संगत विच बैठे हुए, महाराज जी की हाजिरी भरन वास्ते परिवार आया हुआ है।
बहुत सारिया पेटावां बस्तर महाराज जी दे लै के श्रद्धा न आए हुए ने। आप सारियां नूं बहादुर बाबा बिधी चंद जी का जिक्र सुन के तो प्राउड महसूस होता, तो जेड़े उन्होंने परिवार के मैंबर ने, उन्होंने बालक ने, उन्होंने वंशज ने, उन्होंने किन्ना क आनंद का अनुभव होता होएगा। ये सतगुरु जी की मेहर होवे तां ऐसी कुल विच जन्म होता है और नाता जुड़ता है, जिस करके मनुख का जीवन धन धन हो जाता है। बड़ा सोहना कहा सी भाइया जय राम जी ने बेबे नानकी जी नू, बड़े सत्कार नाले बोल आखे, आखण लगे अहो नानकी तुसा धन आयो कि तुसाडा जन्म उस घर विच पया है जिस घर विच गुरु नानक आया है, ते तुसाडे करके असां भी थोड़े थोड़े धन होए गए कि साडा रिश्ता तुसाडे नाल जुड़िया है। वाकई साध संगत ऐसे महापुरखां नाल, नाम जपण वालिया नाल, गुरसिखां नाल जे रिश्ता बने तो वडभाग आता, सुभाग आता है तो महाराज मेहर नाल निवास देंदे, तो अगले नू फिर कदर भी होवे कि मेरा रिश्ता बने। इस गल की मैं खुशी है कि भाई अंग्रेज सिंह जी वड्डी पदवी ते होण दे बावजूद भी पूर्ण गुरसिख ते गुरसिखी जीवन वाले हन, बैठे हुए ने संगत में। इस तरह दे नाल बाबा बिधी चंद जी ने सारा जिक्र सुनाया। सलबा सम अनगिनत ही रिप चढ़ कर ताए, सारी कथा सुना रहे ने वे जिवें वड्डी गिनती विच दुश्मन तल्ला हल्ला करके तावा बोल के चढ़ आए सन। श्री नानक की कृपा ते जाने कुछ नहीं, पर सामने बैठे ने सेवें गुरु नानक देव जी महाराज बहादुर बाबा बिधी चंद जी आखण लगे भई सामने विराजे हुए ने सेवें गुरु नानक, इन्हां दी कृपा नाल असी 35,000 सैना नूं समझे ही कख नहीं, इन्ना इन्होंने बल दे दिता। सुगम हते रिप प्रबल जे राखे रण माही, बड़े बड़े सूरबीर प्रबल वड्डे बल वाले वो झटपट मैदान में ही रख दिते, ढेर कर दिते। फते गुरी की बड़ पई जग मह विदताई, सारे जगत विच ये गल विदित हो गई है, जानी गई है कि वड्डी फतेह तीन जंगां विच गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी होई है। इस ढंग दे नाल मैं पहले अर्ज कीती है, पहले दो जंगां विच 21,000, इत्थे 35,000, 56,000 सैनिक शाहजहान दे गुरु हरगोबिंद साहिब नाल मत्था ला के हलाक हो गए, मारे गए, मारे कुछ बचे ते दौड़ गए हाथ जोड़ के, वह भी मरे ही समान ने। इस ढंग दे नाल बहादुर बाबा बिधी चंद कहन लगे कि वड्डी जित वड्डी फतेह दा डंका सारे जगत विच वज्या है। ओ ना अर है अर गन मर है थिर न समाई, ते हुण बड़िया नूं कन्न हो गए ने भई कोई इन्हां दे सामने खड़ा नहीं हो सकदा, जंग तां की करना है, सारे इन्हां दे सामने भी कोई शस्त्र लेके खड़ा नहीं हो पाएगा। अचरज सुन सबन के कंपियो तब साहू, ते नाले ए सुन के बई 56,000 सेना मार दिती तीन जंगा च, ते बादशाह भी कंबन लग पिया बई इन्हां नाल मत्था नहीं लाया जा सकता। अज भी मैं साध संगत अर्ज करा, गुरु दी कला वरतदी है, जिस जिस किसे ने भी साढ़े तख्त साहेबान नाल मत्था लाया है उदी गर्दन जमीन ते पई हुई दिखाई पई है। उदा सिर धड़ते दिखाई नहीं पिया, भावें कोई बादशाह होवे दुनिया का, कोई वड्डा सिपा सलार होवे या कोई भी होवे, अज तक फिर वह बचता होया दिखाई नहीं पाया। महाराज जी दे घर झुक के आने वाली बरकत झोली च पैंदियां हन,
पर ये सारी जगत ते विद्यत हो गया ते सारा आश्चर्य है। सो आचार्य पाचार्य सुन सबन को कंप्यो तब साहू, भई शाह जहान भी कंबन लग पिया है। हुण शाह जहान का नाम इस तरह साहू करके लैना, शाह जहान ना कहना, ये भी हर एक दे वस की गल नहीं है। ये बहादुर बाबा बिधी चंद जी दे हिस्से च आया, कहिंदे ओ साहू ते कंबदा पिया है। मेरो तख्त न छीन ले त्रास्यो मन माहू, मन विच डरिया होया वी किते मेरा तख्त ना खो लैण, जेड़े मेरी 56,000 सैना खत्म कर सकदे। ये केड़ी मिट्टी दे बने होए ने, ये केड़ी शक्ति है, ये केड़े खूह दा पानी पींदे ने, ये केड़ी चक्की दा आटा खांदे ने, ओ कौन दसे शाह जहान। ये चक्किया ते खूहां नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, कोई बल ते कोई निर्बल नहीं होंदा। ये जिस मेहर नाल जिउंदे ने, जिस बख्शिश नाल इन्हां नूं बल मिलिया है, वो बल होर किसे दा नहीं है, वो बल गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा है। इस करके शाह जहान वर्गे थर थर कंबदे हन। काबल बलक बुखार लो बड़ ताक उठाई, महाराज सच्चे पातशाह जी दे महान सिख बहादुर बाबा बिधी चंद जी आखण लगे, काल काबल बलख बुखारे तक गुरु नानक दे घर दी ताक बन गई है। पत साहत गर दस करी गुर धूम मचाई, गुरु पातशाह जी दा डंका वज गया, धुम्मा पै गई, ते बादशाह ही हिला दित्ती है, गर्दस विच कर दित्ती है। जह कह के सूबे डरे गुर न इत आवे, ते जगह जगह दे सूबे और शाहजहान दे डरे बैठे ने, भई किते गुरु साहब साडे वल ना आ जाण। ते डरदे क्यों ने साध संगत? डरदे इस करके ने भई अंदर पाप हैगा। जिहड़ा धर्मी है उहनूं डरन दी लोड़ नहीं, सो डरे जे पाप कमावंदा धर्मी विगसे। धर्मी पुरख ते खुशी नाल हर वेले खीवा होया रहिंदा, हाँ पाप करन वाले डरदे ने। दुरत गए ते भाग, पाप तिन भीतर कंपै, उन्हां दे पाप अंदर कंबदे ने, ते पाप दी कंबणी छिड़ जांदी है। धर्मी नूं डरन दी लोड़ नहीं होंदी। दब के चारों चक मैं नह को गरबाव है, और इस तरह दे नाल बड़ा सोहना भाई साहब जी ने लिखिया कि दब के चारों चक मैं, हुण कोई होमे नहीं करदा, सारे महाराज जी दे सामने झुके हुए, भाव डरे हुए हन। निज निज सावधानी करे को चहत पलाई, कुछ ते अपनी सावधानी करदे पए ने, भी जे महाराज किते इधरों लंघे ते यतन करो लंघण ही ना। ते कुछ इस तरह दे नाल कहंदे भी जिहड़े रस्ते तो लंघदे ने बार बार उधरों दूर ही हो जाओ, राह ही छड़ जाओ, दौड़ ही जाओ। किते आदिक सब बारता सुन बोध उपाई, जद बहादुर बाबा बिधी चंद जी ने सारी बारता सुना रहे ते होर गाथावां सुनाईयां, ते सब संगतां बहुत आनंदित हो रही हन। जन सुन कर बचपनो इन समनह दूजा, कुछ लोग सुन के कह रहे ने वे गुरु हरगोबिंद साहब जी दी मुकाबली मुकाबला करन वाला दूजा दुनिया ते कोई, भाव इन्हां वर्गे सिर्फ यही हन। जिनकी देव अदेव मिल ठाणत पग पूजा, और गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे चरण कमलां दा सत्कार देव दैंत सारे करदे हन। बंद नहीं ए सबन के गुरु नानक गादी, सारे ब्रह्मंड दियां गैबी शक्तियां दुनियावी शान शाह बादशाह राजे महाराजे सब दे बंदनीय हन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, सारे इन्हां दे चरण कमलां ते वंदना कर रहे हन। सकल जगत जिन को निम्है हारे सब बादी, और इस तरह दे नाल सारा जगत महाराज नूं निवंदा पिया है, सजदे करदा पिया है, ते बादी कहीए झगड़े करन वाले
सब न्योंदे पए हन केतक घटका दिन रहो तब उठे कृपाला। इस तरह दीवान सजया होया है संगतां सारिया श्री करतारपुर साहब दियाँ गिरदो नवा दियाँ बैठिया हुई हैं। तो फिर शाम का वेला आ गया है, दो घड़िया दिन रह गया तो महाराज ने फिर कहा ठीक है हुण दीवान की समाप्ति है तो आप उठे हैं। कृपा दे सागर सतगुरु जी गुरजन करे विसरजना प्रै भाख विसाला। बड़े प्रेम दे बचन किते ने नगर निवासियां ने ते महाराज जी नूं तोरिया है महलां वल। सुंदर मंदर अंदरे गुर जाए प्रवेसे। सोहना मंदर है महल है जिस विच महाराज जी आप पहुंचे हन। मरवाही अर नानकी उर आनंद विशेषे। तन तन माता मरवाही जी ते माता नानकी जी उन्हां दा हिरदा गुरु के महल हन, बड़े आनंद नाल भरिया होया है। पग पंकज गुरु के लगी मूरत प्रेहेरी। दोवें मातावां ने महाराज जी दे चरणां ते सिर रख दिता। गुरु कियां सुपत्नियां हन माता मरवाही जी ते धन धन माता नानकी जी। माता नानकी जी जिन्हां दी कुख तो गुरु तेग बहादुर जी का आगमन होया, गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे महल इन्हां ने मत्था टेकिया है ते महाराज जी दे प्यारी मूरत दा दीदार कर रही हैं। लेकर श्री हर राय को आई तब चेरी। सेवकावां गुरु हरगोबिंद हर राय साहब जी बालक हैं उन्हां नूं नाल लैके आए हैं। धीरमल के सहत ही गुर चरणी लाए। इस तरह धीरमल समेत महाराज जी दे चरणा ते साहिबजादियां ने नमस्कार कीती। दुखा दोनों आए कर निज सीस निवाए। दोवें नौहां भी आईयां उन्होंने भी मत्था टेकिया। कर कर सगरी वंदना पहुंची निज थाने। वंदना करके नमस्कार करके अपने अपने थां बैठियां हन। पर प्रियंक पर गुर थिरे सुभ बाक बखाने। बहुत सोहना उच्चा प्रियंक है पलंग है महाराज जिस ते महाराज विराजदे हन ते हुण विराजे हन ते बहुत पवित्र बचन आखे हन। दए गोद हर राय को दै मोद दुलारा। श्री हर राय जीआं नूं उन्हां ने गोदी विच बिठाया होया ते बड़ा प्यार कर रहे हन। धीरमल बैठो निकट तिस ओर निहारा। बाबा धीरमल जी भी लागे बैठे हुए हन खब्बे पासे महाराज जी दे उदे वाल भी देख रहे हैं। सिर गुरु दिता टिग थरो कर लोचन नीचे। नीवी नजर करके बाबा गुरदित्ता जी कोल खड़े हुए हैं। सूरज मल दिस देख गुर अमृत जन सीचे। महाराज सच्चे पातशाह सूरज मल जी भी साहिबजादे ने महाराज दे उन्हां वल भी देख रहे हैं अमृत दृष्टि नाल। एक बहादुर दहन दिस एक रस ब्रित जाही। ते महाराज जी दे सज्जे पासे गुरु तेग बहादुर साहब जी बैठे हुए एक रस आनंदमयी उन्हां दी बिरती है। सन्मानत सिर हाथ तर बानी मृदु प्राही। ते महाराज सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सिर ते हाथ रख दे ते बड़े मिठे बोल कहंदे हन। अनी राय सन मुख थिरयो पित रूप दिखंते। पिता जी दा दर्शन करन लई सामने बाबा अनी राय जी खड़े हन। कृपा दृष्टि परवार पर श्री गुरु कहंत करंते। अपने सारे परिवार ते महाराज मेहर दी नजर करके निवाज रहे हन। दासुर दासी सब नहीं ठांडी कर जोरे। तमाम सेवक सेवकावां महाराज जी दे चरण कमलां सिख खड़े हन हाथ जोड़ के। देख आनंदत उर करे रस प्रेम सबोरे। महाराज जी दा दर्शन करके हिरदा सारे परिवारक जना दा आनंद नाल भरिया होया है और प्रेम रस विच भिज्या होया है। परवारत परवार ते द्वै घरी बिताई। इस तरह कोई एक घंटे दा समा सारा परिवार महाराज नूं घेर के बैठा रहे खड़ा रहा। सिर गुर दीते दिस पिक्यो मृदु गिरा सुनाई। ते फिर महाराज जी ने बाबा गुरदित्ता जी वल देखिया ते बड़े मिठे बोल आखे। बृंद मसंद बुलाए टिक बाहर थिर हू जाए। आख्या सारे मसनदियां नू मसंदा नू बुलाओ
बार खड़े हो जावना त्रिन दाना खाना भले जिम सब को पूजा उन्होंने कह दियो भाई सारे घोड़िया घा दाना भोजन आदक सारिया तक पहुंचाया जावे करो दीवाबन तीर सो नर खरे करी जाए और इस तरह दे नाल सारिया नू तीरज सहन सब कुछ दे दियो सब खड़े हो जावना जथा योग सब सैन कीनी के सुधली जाए जथा योगता सारे सैनिकां दी खैर खबर लवो भावना नू सब कुछ पहुंचाओ सूरज मल अन राय तब उठ बाहर आए बाबा सूरज मल जी बाबा अणी राय जी महाराज जी दी आग्या मन के ते बाहर आए हना धीर मल हर राय जी तिन संग सिधाए बाबा धीर मल जी ते हरी राय गुरु हर राय साहब जी महाराज जी दे नाल सिधाए हना एक बहादुर पुन उठे सब मिल कै संगा फिर गुरु तेग बहादुर साहब जी भी महाराज सारा परिवार मिल के उठे हना देखियो जान भाई पले बड़ बेग तुरंगा फिर घोड़ा जान भाई सारिया ने देखिया बड़ा बली वड्डे कद दा घोड़ा है सुंदर हेर प्रमोद ते कर फेरत अंगा महाराज गुरु तेग बहादुर खुश हो रहे ने ते ओदे ते हाथ पैर रहे हना मन हो चित्रे लिख करी मूरत सरबंगा और इंज लगदा है भई ये घोड़ा घोड़ा नहीं है जिवें किसे ने घोड़े दी सोहणी मार्बल दी मूरत वड्डी बनाई हो भाव अत्यंत बेतहाशा खूबसूरत जान भाई घोड़ा है उत्सवपुर में महापरिवार मजारा इस तरह सारे परिवार विच ते करतारपुर नगर विच वड्डा उत्सव बनया होया है दीप माल का बुह करी कर करी बजारा महाराज जी दे आउण दी खुशी विच हुण शाम हो गई सी ते सारे करतारपुर दे निवासियां ने सारिया ने अपने बनेरिया ते अपने दरवाजिया ते घरां ते दीव्या दी माला दीप मालका अच्छा आप भी सारे उस माहौल विच नेत्र बंद करके शामिल हो ते जिवें सारे करतारपुर साहिब दे निवासी दीवे जला के महाराज जी दे आउण दियां पधारण दियां खुशियां मना रहे ने इन्हां खुशियां नूं महसूस करदिआं होइआं एक जयकारा सारी संगत मिल के वड्डा गजा दिओ एक जयकारा होर भी गजा दिओ इस तरह घर घर विच दीप माला हो रही है गलियां बाजारां विच अज वांगू तो नहीं सी वे ट्यूनी बल्ब लिया के ला दिते होण वाकई दीवे जलाए गए दीप माला कीती गई लोगों ने घ्यो दे दीवे जलाए भई साढ़े मेरियां पीरियां दे दाते घर आ गए इस तरह खुशियां दा माहौल बनया होया है अत आनंद सब मैं पयो जिम रावण मारा इस तरह आनंद बनया होया सारिया दे जिम रावण नू मार के राम चांदपुर आपने मिल कर परवार ते रावण दा वध करके माता सीता जी नू नाल लेके ते जदों श्री राम अयोध्या आए सन ते अयोध्या निवासियां ने भी दीप माला कीती महाराज जद फिर गुरु पातशाह ग्वालियर दे किले तो श्री अमृतसर पधारे सन ते अमृतसर निवासियां ने दीप माला कीती बाबा बुढ़ा जी दी अगवाई विच ओ अज भी बंदी छोड़ दिवस दे रूप विच श्री दरबार साहब दीप माला होंदी आतिशबाजियां सजाईयां जांदियां जलौ सजाए जांदे ने ते सारी दुनिया तो संगतां पहुंचदियां ने ते बहुत सारे कही जांदे ने भई दाल रोटी घर दी दिवाली अमृतसर दी उत्ते आउंदे ने आनंद दा अनुभव करदे ने वड्डी गिणती विच संगतां पहुंचदियां हन
महाराज जी इस तरह जब आए ने तो फिर दीपमाला जगह जगह जिते जिते पधारे ने होइया हन। रामचंद्रपुर अपने मिलकर परवार, जिस तरह श्री रामचंद्र जी त्रेते दे महान अवतारी पुरुष अपने घर जिवें पहुंचे हन। दोहरा निज कर पैंदे खान सुन आयो करत उताल। जदों पैंदे खान नूं पता लग्गिया ना मैं महाराज जंग जित के करतारपुर साहब आ पहुंचे ने, ओनूं पता लग्गिया उह झटपट महाराज कोल आया। बिधी चंद को मिलते पा कर सलाम तत्काल। बहादुर बाबा बिधी चंद जी नूं मिलिया ते सलाम बजाई। निसानी छंद सतगुर की सुध बूझ जब मंदर निज माही। महाराज जी बारे पुछया ते बहादुर बाबा बिधी चंद जी ने दस्या भी अपने निज मंदर अपने घर विच हन। बैठ निकट कर वार्ता किम पीरन माही। नेड़े बैठ के फिर बहादुर बाबा बिधी चंद जी नूं पुछण लग पिया पैंदे खान। उन्हें सोचया सी मैं तां जंग विच है नहीं सी ते मेरे बिना जंग की होया होना, इसलिए जंग की वार्ता पुछण लग पे। ते जो बहादुर बाबा बिधी चंद जी ने दस्या है वो सारा हुण कल वक्त नाल आप सरवण करोगे। अज इन्ने ही बचन प्रवान करना। कल एक मंदभागी घटना इत्थे वापरी है जिसते सारे सिख जगत विच रोस है, उस लई पश्चाताप लई कल सरदार अवतार सिंह जी हित प्रधान जी ने कहा भी श्री अखंड पाठ साहब प्रारंभ करवाए जाणगे। महाराज सच्चे पातशाह दे चरणा च सारे अरदास करो भी इस तरह की कोई घटना फिर ना वापरे, फिर ना होवे। महाराज ऐसी मेहर करन, ऐसी बख्शिश करन। आओ सारे मिल के महाराज सच्चे पातशाह दे चरणा च दो मिनट वास्ते महामंत्र दे गुरमंत्र दे जाप राही जुड़िए ते फिर अरदास ते फिर खिमा प्रार्थी होवांगे। वाहे गुरु 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु वाहेगुरु जी की फतेह। कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज आप जी के चरण कमलों का कोटान कोट रोम रोम शुकराना है। आप जी ने समूह संगतां दियां हाजरियां अपने दर घर विखे भरन का सुभाग बख्शिया है। समूह संगतां दियां हाजरियां पिटावां दर प्रवान करो, दरों करो सिखी नामदान चढ़ती कला। परिवारों में सुख शांति, कारोबारों में सफलता, संपूर्ण देह अरोगता, यात्रा सफल करते हुए हर प्रकार दियां बरकतां नाल निवाजो। जो जी आप जी के घर आवे सो राजी जावे, सही प्यारे मिलो जिन्हां मिलिया नाम चित आवे जी। नानक नाम